जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इसलिए आप सभी जन तालियां बजाकर इन गानों में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 104 रोजे रोजे गाऊं, गीत क्रमांक 104 रोजे रोजे गाऊं। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता ये दिल पुकारता, दुख से कराता ये दिल पुकारता। को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हार जीत में पुकारे नाथ काही ना, हार जीत में पुकारे नाथ काही नाम। भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम, भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, गीत क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को
वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हम तेरी मोहब्बत से दिलापन सजाएंगे, ये यीशु महान अपना जाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 107 आत्मा के आनंद, गीत क्रमांक 107 आत्मा के आनंद, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु,
आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। प्रभु जीवन जल बरसा कर दू, अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से। गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गीत क्रमांक 2 सेनाओं का यहोवा। गीत क्रमांक 2 सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 17 हम करे तेरी वंदना। गीत क्रमांक 17 हम करे तेरी वंदना। हम करे तेरी वंदना, तेरे सम
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 122 13 वचन गीत क्रमांक 122 13 वचन तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन तेरे ही वचन से शांति मिली मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी हम नाच गाकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इसलिए आप खड़े हो जाइए और नाचते हुए झूमते हुए इन गानों में भाग लीजिए हालेलुया 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 यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी बेड़े हैं हरी चराइयों में
पकड़िया हम उसके बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच्चा गढ़रिया हम उसकी बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़रिया हम उसकी बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है यीशु ने मुझे चंगा किया है यीशु ने मुझे चंगा किया है यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है यीशु ने मुझे जीवन दिया है यीशु ने मुझे जीवन दिया है यीशु ने मुझे जीवन दिया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है। यीशु ने मुझे आनंदित किया यीशु ने मुझे आनंदित किया यीशु ने मुझे आनंदित किया यीशु ने मुझे आनंदित किया। भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंदित किया। भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंदित किया। यीशु ने मुझे चंगा किया है 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 यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो पृथ्वीवर प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो पृथ्वीवर। अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु परदिगा अंतकरणाचे प्रभु प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो प्रभु पुन्ना वावरतो पृथ्वीवर। अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु परदेगा अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु अंतकरणाचे प्रभु परदेगा। प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु 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 जुआन मोल प्रभु एक बार फिर। प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर प्रभु फिर से मंडराता प्रभु फिर से मंडराता।
हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वासी लोगो हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी लोगो हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोगो हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी लोगो हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ऐसे खड़े रहना है क्योंकि उस परमेश्वर के अपन स्तुति और आराधना लेने वाले हैं। इसके लिए तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ। देखो, आज परमेश्वर की कृपा तुम्हारे पर हो गई है, इसके लिए यहाँ पर तुम पहुँच गए हैं। इसके लिए पूरा ध्यान तन मन उस परमेश्वर के पास लगाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद सर के। उस परमेश्वर का अपन गाना गा के उछा उठाने ले, सबने गाने में भाग लेना। धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ। धन्यवाद पिता। शरीर की आँखें बंद करो और अंत करने से आंखों से उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। देखो, परमेश्वर ने अपने को निर्माण करने से पहले शब्दों से सारी सृष्टि निर्माण की। धन्यवाद पिता। देखो, परमेश्वर ने अपने को दिन में देखने के लिए सूरज बनाया। हाँ पिता। रात में देखने के लिए चांद और तारे बनाए। हाँ पिता। इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। धन्यवाद। देखो, परमेश्वर ने अपने लिए पेड़ पौधे बनाए। हाँ पिता। नदियां बनाई। हाँ पिता। झरने बनाए। हाँ पिता। समुन्द्र बनाया। हाँ पिता। और समुन्द्र में विविध प्रकार की मछली बनाई। धन्यवाद। इस क्लेश परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद। देखो, परमेश्वर ने अपने लिए पेड़ पौधे बनाए। हाँ पिता। अनेक प्रकार के फूल और फल बनाए। हाँ पिता। अनेक प्रकार के प्राणी बनाई। हाँ पिता। अनेक प्रकार के पंछी बनाई। धन्यवाद। इस क्लेश परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो। धन्यवाद। उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद। देखो, अपने को लगने वाले हर चीज परमेश्वर ने बनाई। हाँ पिता। इस क्लेश परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद पिता। देखो, बारिश गिरा के परमेश्वर अपने को मोपत पानी दे रहा है। धन्यवाद पिता। मोपत हवा मार्फत ऑक्सीजन दे रहा है। धन्यवाद। इस क्लेश परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो। धन्यवाद। उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद। उस परमेश्वर का अपन गाना गा के ऊंचा उठाने वाले सबने गाने में नाच गा के भाग लेना है। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। रंगी फूलों से भी तूने सजाया है, आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगी फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। जिसको तेरे ही हाथों ने रोक दिया है, तब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी। जिसको तेरे ही हाथों ने रोक दिया है, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी,
अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी मेरे भाई और बहनों तुम्हारा पूरा ध्यान उस परमेश्वर के पास लगाओ। देखो उस परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप जैसा अपने को बनाया, सर से बाल से लेके पाँव के नखून तक संपूर्ण शरीर से परिपूर्ण के इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो। देखो इस परमेश्वर ने अपने को सोचने के लिए अच्छी बुद्धि दी, सर पे अच्छे काले बाल दिए, इस परमेश्वर का धन्यवाद। देखो इस सारी सृष्टि देखने के लिए दो आंखें दी, श्वास लेने के लिए अच्छा नाक दिया, सुनने के लिए अच्छे कान दिए, और उसका पवित्र नाम लेने के लिए उसकी महिमा करने के लिए अच्छा मुख दिया, इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसको स्तुति करो, उसके नाम की प्रशंसा करो। धन्यवाद। देखो अपने को काम करने के लिए अच्छे हाथ दिए, चलने फिरने के लिए पैर दिए, इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। धन्यवाद। देखो इस परमेश्वर ने इस धरती पे अपने को अकेला वो अनाथ ऐसा नहीं छोड़ा, तो अपना संभाल करने के लिए अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छा पति दिया, अच्छे औरत दिए, अच्छे बच्चे दिए, धन्यवाद, रहने के लिए अच्छा मकान दिया, धन्यवाद। उस परमेश्वर ने अपने को अच्छा नौकरी धंधा दिया, धन्यवाद। इसके लिए इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो। देखो उस परमेश्वर ने अपने को अंधकार से उसके दिव्य प्रकाश में आया, इसके लिए इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करो। हे प्रभु यीशु, अच्छा है, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, प्रभु का तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्ति दाता है, मुक्ति दाता, तू हमारा शांति दाता है, शांति दाता है। तेरे वजह से हम तेरे वजह से हमको हमको पाप की क्षमा मिल गई, क्षमा मिली। और तेरे वजह से हमको हमको स्वर्ग में जाने का मार्ग खुला हो गया, मार्ग खुला हो गया। तू हमारा हमारा पिता है, पिता है, हम तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चे है। उस परमेश्वर का अपन गाना गा के उच्चारणले सामने गाने में नाच गा के भाग लेना। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु के खून से धोता रहूं, मन करता यीशु के खून से धोता रहूं, खून से धोता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, प्यार होता रहे, प्यार होता रहे, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता राही बन कर संग संग चलता रहूं,
मन कर तारा ही बन कर संग संग चलता रहू, संग संग चलता रहू, संग संग चलता रहू। मन करता यीशु यीशु गाता रहू, मन करता यीशु यीशु गाता रहू, यीशु यीशु गाता रहू, यीशु यीशु गाता रहू। तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ, शरीर की आँखें बंद करो और अंत करने से आंखों से यीशु मसीह को देखने का प्रयास करो। धन्यवाद। देखो उस परमेश्वर के अपन दुख सहन के लिए जाने वाले हैं। अपन दुख में थे, बीमारी में थे, शैतान के मिट्टी में थे। हाँ पिता। पाप करके एक दिन अपने शरीर का और आत्मा का नाश होने वाला था। हाँ प्रभु। लेकिन अपना बचाने के लिए, अपने को पाप की क्षमा देने के लिए, अपने को सच्चाई बताने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए और अपना आत्मा आनंद का स्वर में लेके जाने के लिए अपने निर्माण करते परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पे भेजा। धन्यवाद प्रवेश। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। प्रवेश भगवान हो के भी सब कुछ छोड़ के अपने लिए दारिद्री बन गया। हाँ प्रभु। अपने को धनवान बनाने के लिए उसने सामान्य परिवार में जन्म लिया। धन्यवाद प्रवेश। 30 बरस उसने सामान्य जीवन बिताए। धन्यवाद प्रवेश। 30 बरस अपने पिता के साथ वो भेड़ी चरा रहा था। हाँ। टेबल खुर्चा बना रहा था। और 30 बरस के बाद यीशु मसीह ने जिसके लिए इस धरती पर आया था वो काम चालू किया। धन्यवाद। अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो। धन्यवाद पिता। काना इस गांव में पाने का द्राक्षरस बनाया। धन्यवाद पिता। अंधे को दृष्टि दी। धन्यवाद। मरे हुए को उठाया। धन्यवाद। समुद्र और हवा को धमकाया और वो शांत हो गई। धन्यवाद। 38 बरस जो पंगु मनुष्य था यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। धन्यवाद। 18 बरस जो शैतान के मिट्टी में जो औरत थी यीशु मसीह ने उसको पाप की क्षमा दी और सीधा कर दिया। ऐसे अनेक चमत्कार दिखा के यीशु मसीह ने साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद। और जिसके लिए यीशु मसीह धरती पे आए थे वो वादा यीशु मसीह ने पूरा किया। शैतान और मनुष्य के बीच में वो खड़े रहे और यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि जो कुछ तुम मनुष्य को सजा देने वाला है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद प्रभुश। अपने अंत करने से आंखों से देखो। अपने को छुड़ाने के लिए वो यीशु मसीह खुद शैतान के स्वाधीन हो गए। अपने चेले के साथ जब भी पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए गए थे और कई शास्त्री पुरुष सिपाही के लेके वहाँ पे आए, हाथ में तलवार मशाल लेके आए थे। रात का समय था और जब यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा कि नासरुद्दीन यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। और उसी दौरान वो पीछे गिर गए क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर था। धन्यवाद। लेकिन अपने लिए वो खुद स्वाधीन हो गए। धन्यवाद। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। एक सिपाही ने यीशु मसीह के ऊपर हाथ डाला, पेत्र ने यीशु उस चेले का कान काटा, यीशु मसीह ने वापस थाई सा लगा दिया क्योंकि सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर था। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। लेकिन खुद यीशु मसीह शैतान के स्वाधीन हो गई। हाँ। जब यीशु मसीह को पकड़ा उसके हाथ और पैर में साकर दंड बांध दिए, उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसकी आंखें बांध के उसको मार रहे थे और बोल रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पहचान तेरे को कौन मार रहा है। लेकिन मानव के उद्धार के लिए यीशु मसीह चुप बैठे, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। उसके जब भी मजाक उड़ा रहे थे, मारपीट कर रहे थे, फिर भी वो सहता गया। हाँ प्रभु। अपने लिए उसके कपड़े उतार दिए। हाँ प्रभु। अपने अंत करने से आंखों से देखो। अपन पाप किए और कोड़ों का मार उसने खाया। धन्यवाद। अपने लिए उसने चाबुक का मार खाया। हाँ प्रभु। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। जब वे कोड़े मारते थे उसका मांस और लहू बाहर आता था। हाँ प्रभु। अपने लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। धन्यवाद। आज वही पवित्र लहू से तुमको और मेरे को सब मानव जात को पाप की क्षमा मिलती है। हाँ प्रभु। धन्यवाद। अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। धन्यवाद। कितनी दर कितनी तपली यीशु मसीह ने अपने लिए सहेली। हाँ। जिस बुद्धि से अपन गलत सोचते थे दूसरे का घातपात करने के लिए, यीशु मसीह के सर पे विषारी कांटे का मुकुट डाला गया। हाँ प्रभु। वो मुकुट नहीं जा रहा था, ऊपर से कांटे से दबा रहे थे, वो कांटे उसके सर में घुस गए। वो झेर सर में घुस गए के बाद उसका चेहरा काला नीला पड़ गया। इतने वो चुप नहीं बैठे तो ऊपर से एतो से काटे से मार रहे थे। कितनी दर कितनी तपली यीशु मसीह ने अपनी सहेली। हाँ प्रभु।
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, कुछ दिलाने, यीशु सली पर मरा। हमको बचाने, कुछ दिलाने, यीशु सली पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे पापी पाते उदार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उदार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा पूरा ध्यान उस
यीशु मसीह के पास लगाओ। धन्यवाद। देखो कितनी दर्द उस तपली को अपने लिए सह रहा था, अपने अंत करने से आंखों से देखो। धन्यवाद। और उसने अपने सब पाप अपने खंधे के ऊपर ले लिया। वो क्रूस नहीं था तो तुम्हारा मेरा सब मानव का पाप उसने अपने खंधे पे लिया। हाँ। और जब भी क्रूस लेके चल रहा था उसके पैर में जूते भी नहीं थे, और उसी दौरान उसको पत्थर लग रहे थे। हाँ। कांटे चुभ रहे थे। हाँ। निकालने को भी समय नहीं दिया। अपने अंत करने से आंखों से देखो, पत्थर मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और उसी दौरान उसको ठोकर लगी, वो नीचे गिरा, उस क्रूस के नीचे दब गया। अपने अंत करने से आंखों से देखो, लेकिन वो वापस अपने लिए उठा। तीन बार वो नीचे गिरा लेकिन बार बार उठता रहा। जब ये क्रूस लेके चल रहा था, कई औरत रो रही थी, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए मौत रो ना, अपने होने वाले बीवी बच्चे के लिए रो। हाँ। देखो गीली पेड़ की स्थिति होती तो सूखे पेड़ की क्या स्थिति होगी। हाँ। उस अवस्था में वो लोगों को बता रहा था, उसके हाथ पैर से शरीर से लहू बह रहा था। हाँ। लोग पत्थर मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, लेकिन अपने लिए सब सहता गया। अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो, कितनी दर कितनी तकलीफ उस परमेश्वर ने अपने लिए उठाई। धन्यवाद। पाप अपन किए और सजा उसने भुगती। धन्यवाद। अपना सब पाप का क्रूस लेके वो जब चल रहा था, उसके पैर से लहू बह रहा था। हाँ प्रभु। उसी दौरान क्रूस लेके काडवड़ी की टेकड़ी चढ़ा। हाँ प्रवेश। और दो चोरों के बीच में, वो चोरों ने खून अपराध किया था इसके लिए उनको सजा हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था। हाँ प्रवेश। जिस हाथों से अपन दूसरे को मारा। हाँ, उसके पवित्र हाथों पे टोकदार खिले ठोक दिए। हाँ प्रवेश। कितनी दर कितनी तकलीफ होती होगी फिर भी वो सहता गया। हाँ, जिस पैर से अपन गलत मार्ग से जा रहे थे। हाँ प्रवेश। उसके पवित्र पैर पे खिले ठोक दिए। हाँ प्रवेश। हाथ और पैर से लहू बह रहा था। हाँ प्रवेश। लोग मजाक उड़ा रहे थे फिर भी वो सहता गया। इसके लिए परमेश्वर की अपन आराधना करने वाले हैं। इसके लिए शक्य हो तो सबने घुटने पे आना है। देखो अपने लिए वो सब सहता गया। एक बार माँ बच्चे को अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने ऊपर इतना प्यार करता है कि उसकी सीमा नहीं, समुन्द्र की सीमा है लेकिन परमेश्वर के प्यार की सीमा नहीं। धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए दिन जाएंगे हम उसके संग, जा पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो,
मेरे भाई और बहनों, अपने अंतःकरण से आंखों से देखो कितनी दर्द कितनी तकलीफ को अपने लिए सहता गया, उसके शरीर से सर से लोह बह रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचाओ, लेकिन वो सब सहता गया। अपने अंतःकरण से आंखों से देखो, एक चोर ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद का और हमको भी बचाओ, लेकिन दूसरे चोर ने कहा अरे अपन तो पाप किए इसलिए अपने को ये सजा हुई, लेकिन उसने कुछ भी पाप नहीं किया। उसने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु यीशु मसीह जब भी तुम न्याय करने के लिए आएंगे तभी तुम मेरा ख्याल करना। यीशु मसीह ने कहा आज तुम मेरे साथ सुख लोग होएगा। देखो अपने अंत करने से, दोपहर का समय था, प्रभु यीशु को प्यास लगी, उसने पानी मांगा लेकिन पानी नहीं तो आम दिया गया, अपने लिए वो सब सहता गया। और सब पूरा होने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हो गया, और अपना प्राण उसने परमेश्वर पिता के पास अर्पण किया। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था, निष्पाप थे। हाँ प्रभु, इसके वजह से उसके ऊपर मरने की सत्ता नहीं चली। हाँ तो तीसरे दिन वापस जीवित उठे। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अनेक लोगों को दर्शन दिया, चेले को दर्शन दिया। 40 दिन यीशु मसीह ने चेले के साथ बिताए, चेले को भक्कम किया, और 40वें दिन स्वर्ग में जाते समय यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सब किल्ली मेरे पास है, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और तुमको सत्य का कई बार पवित्र आत्मा दूंगा। डरना मत, मैं जाने के बाद डरो मत, एक कमरे में जाके प्रार्थना करके बैठो। और उनके आँखों के सामने यीशु मसीह आसमान में चले गए, और यीशु मसीह जाने के बाद वो डर के मारे कमरे में जाके प्रार्थना करके बैठे। और यीशु मसीह ने जो वादा किया था पूरा किया। 50वें दिन आसमान खुला हो गया, बादल आ गए, भूगर्भ हो गए। हाँ, और आसमान से पवित्र आत्मा आ गया, और जिस कमरे में बैठे थे सबके सर पे पवित्र आत्मा बैठ गया। हाँ, और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और वही यीशु मसीह ने वादा किया था, जो कोई मुझके ऊपर विश्वास करेगा उसको मैं सत्य का कई बार पवित्र आत्मा दूंगा। और वही वादा आज यीशु मसीह पूरा कर रहे। देखो आसमान खुला हो गया है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आ रहा है। हे प्रभु यीशु, दारे सब भाई बहन को तेरे पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से, वरदानों से भर दो। मांगो उस परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा, बुलाओ अपने अंतःकरण में, बुलाओ अपने अंतःकरण में। देखो सत्य का कई बार पवित्र आत्मा तुम्हारे अंतःकरण में आ रहा है अपने अंतःकरण में। शुक्र करो उस परमेश्वर को, बुलाओ अपने अंतःकरण में, बुलाओ अपने अंतःकरण में, बुलाओ अपने अंतःकरण में। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे,
शांति मुझे दे दे, बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे बरसा दे बरसा दे अपना दान, बरसा दे बरसा दे पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे शक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे शक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद परमेश्वर पे, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 9 से लेकर 13 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 9 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ से चलकर वहाँ उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? इसलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बार आराधनालय में एक मनुष्य को चंगा किया था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था, और वही घटना को अभी हमने पढ़ा कि यीशु एक आराधनालय में पहुंचा और वहां पर जब वो उपदेश कर रहा था, उसने ऐसे एक मनुष्य को वहां देखा जिसका एक हाथ सूखा हुआ था, और वहां पे ऐसे कोई अधिकारी लोग थे जो यीशु पर दोष लगाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए कोई तो वजह ढूंढ रहे थे। जब ये हो रहा था तब सप्त का दिन था, सप्त का दिन अर्थात यहूदी लोगों का विश्राम का दिन। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भी यही नियम लागू किया था कि तुम सप्ताह के 6 दिन काम किया करो, 7वें दिन अर्थात शनिवार के दिन विश्राम किया करो, रविवार से लेकर शुक्रवार तक काम किया करो, शनिवार के दिन विश्राम करो। यह सप्त का दिन था, विश्राम का दिन। जब परमेश्वर ने उनको विश्राम करने का नियम दिया था तो उन्होंने इस नियम को इतना बड़ा बना दिया था और इस हद तक बड़ा बना दिया था कि वे चाहते थे कि इस दिन यदि यीशु इस मनुष्य को चंगा करेगा तो हमारे पास एक वजह मिल जाएगी, हमें एक कारण मिल जाएगा कि ये मनुष्य परमेश्वर के नियम को तोड़ देता है कि इसने सप्त के दिन काम किया, जो विश्राम का दिन है, जिस दिन काम नहीं करना चाहिए उस दिन उसने किसी को चंगा करने का काम कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए वो यीशु को पूछने लगे, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? किसी मनुष्य को अपने बीमारी से ठीक करना, वो भी सप्त के दिन, क्या ये अच्छा है, भला है, उचित है? तब यीशु ने उनको कहा, पूछा, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी एक ही भेड़ हो और सप्त के दिन ही वो जाकर गड्ढे में गिर जाए तो तुम जाकर उसे ना पकड़ो, ना उठाओ, ना बचाओ? कौन मनुष्य है ऐसा जिसकी एक ही भेड़ है और यदि ये भेड़ सप्त के दिन गड्ढे में गिर गई तो क्या आप जाकर उसको उठाओगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, बचाओगे नहीं? यीशु कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसीलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है, चंगा करना, भले काम करना सही बात है। ऐसा प्रभु ने उनको जवाब दिया, तब उनके मुंह बंद हो गए। फिर यीशु ने उस मनुष्य की ओर मुड़कर कहा, अपना हाथ सीधा कर। जो सूखा हुआ था उसी के बारे में प्रभु ने कहा, अपना हाथ सीधा कर, और उसने किया, और जैसे ही उसने किया बाइबल कहती है उसका हाथ दूसरे हाथ के समान ठीक हो गया, अच्छा हो गया। प्रभु ने उस मनुष्य को एक पल में चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस घटना में हम एक बात सीखते हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई भले बातें, भले काम ना हो जाए इसलिए शैतान किस रीति से रुकावट डालता है। यीशु उस आराधनालय में सप्त के दिन था, अगले दिन वो वहां से निकल जाएगा क्योंकि वो किसी गांव या नगर में ज्यादा समय रुकता नहीं था। धरती पर उसका जो समय था वो नियुक्त समय था, वो 100 साल या 500 साल धरती पर जीने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर ने उसे एक मकसद को लेकर भेजा था और उस मकसद को पूरा करके उसको स्वर्ग में वापस जाना था। इसलिए वो इसराइल के गांव गांव में, नगर नगर में भटकता रहा,
किसी एक गांव या एक नगर में ज्यादा दिन या ज्यादा समय रुकता नहीं था, क्योंकि उससे परमेश्वर के राज्य का प्रचार जल्दी जल्दी करके बढ़ते जाना था और अंत में वो मकसद को पूरा करना था, मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करना था, जिस मकसद को लेकर वो स्वर्ग से धरती पे आया था। हालेलुया, हालेलुया। आज सप्त का दिन है, ईशु आराधनालय में मौजूद है, बीमार मनुष्य भी वहाँ पे है और वो देख रहे हैं विरोधी कि क्या ये ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सप्त के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? सप्त के दिन किसी की बीमारी निकालना उचित है या नहीं? सच्चाई में ऐसे सवाल वही लोग पूछते हैं जिनके शरीर में कोई दर्द ना हो। आपके पेट में जोर से दर्द हो रहा है और यदि आपको पूछा गया सप्त के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है, आप बोलोगे वो तो बाद में देखा जाएगा, पहला मेरे पेट का दर्द निकालो। जो अधिकारी पूछ रहे थे उनके पेट में दर्द नहीं था ना, उनको कोई बीमारी नहीं थी ना, इसलिए वो पूछ रहे थे। यदि उन्हें कोई बीमारी होती तो ना देखते सप्त का दिन है या काम करने का दिन है। शैतान मनुष्य का सच्चा विरोधी है और वो कितने सारे लोगों के अंदर से काम करता है कि मनुष्य के जीवन में भली बातें ना हो जाए। पता नहीं ये मनुष्य का हाथ कब से सूखा हुआ था। आपने किसी व्यक्ति को शायद देखा होगा जिसके शरीर का एक अंग सूखा हुआ रहता है और जब वो सूखा हुआ रहता है वो उसका अंग कुछ भी काम का नहीं रहता है और वो एक दुर्बल जीवन बिताता है। अपने दानु के प्रार्थना घर में एक बहन ने गवाही दी थी जिसका एक पैर सूख गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। एक पैर सूखने लगा, पतला होने लगा और एकदम पतला हो गया, और केवल पतला ही नहीं हुआ था, काला हो गया था। ये बहन जब अपनी गवाही माइक पर से बता रही थी तब उसने माइक को हाथ लगाकर कहा, ये माइक जितना काला दिख रहा है ना उतना मेरा पैर काला हुआ था और एकदम सूख गया था, मुझे यहां से वहां चलना भी मुमकिन नहीं था। कितने दिनों से, मुझे लगता है कई सालों से उनकी यह परेशानी थी। वो प्रार्थना में आने लगी, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उसका पैर अच्छा होने लगा और जब वो मंच पे गवाही देने के लिए आई थी उसके दोनों पैर एक समान दिख रहे थे। उस बहन ने गवाही में कहा कि पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं यहाँ से आपके गेट तक भी नहीं चल सकती थी, अभी मैं अपने घर से यहाँ केंद्र में पैदल आती हूँ, उसका घर अपने केंद्र से करीबन 1.25 घंटा दूरी पर है पैदल, और वो कहती है मैं पैदल आती हूँ मेरे घर से, प्रभु ने मेरे पैर को अच्छा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई कितनी महत्वपूर्ण है ये वही जानेगा जिसके शरीर में दर्द है। चंगाई कितनी महत्वपूर्ण है ये वही जानेगा जो बीमारी से गुजर रहा हो। 2 साल पहले मुझे 15 दिन तक बुखार की परेशानी हुई थी, इतना ज़्यादा बुखार कि मेरे ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे जब कभी बुखार आता है 2 या 3 घंटे में निकल जाता है, कभी कभी लगता था 1-2 दिन रहे तो आराम कर सकूंगी, क्योंकि बिना वजह सोई रहूंगी तो बाकी लोग बोलेंगे आलसी है इसके लिए सो रही है, पर ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा जब कभी साल में एक ही बार कभी बुखार आएगा और वो भी आता था 2 या 3 घंटे में निकल जाता था, तो 3 घंटे के बाद उठकर काम करना पड़ता था, क्योंकि बुखार नहीं है तो कैसे बता सकती हूँ बुखार है, और नहीं सो सकती थी। पर वह ऐसा समय था, बुखार आया बहुत जोर से और लगा कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और बुखार के साथ साथ सर में भी तेज़ी से दर्द, इतना दर्द हो रहा था, लग रहा था कि सर फट रहा है,
उस समय लॉकडाउन का समय था तो प्रार्थना तो बंद थी, पर मैं कुछ भी नहीं काम कर पाती थी, यहाँ तक कि मोबाइल को भी नहीं उठा पा सकती थी, मोबाइल से बात भी नहीं कर सकती थी, खाना पीना बंद हो गया था, मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि मोबाइल पे बात भी नहीं कर सकती थी। कितने दिन तक मैंने अपने फ़ोन को बंद ही रखा था, और बाद में प्रभु का अनुग्रह हो गया, मैं चंगा हो गई। पर मैंने प्रभु को कहा, अभी पता चला बुखार कितनी भयानक बीमारी होती है। लोग कभी कभी गवाही देने के लिए आते हैं, मेरा बुखार निकल गया, तो मैं सोचती हूँ बुखार क्या बीमारी होती है, एक मामूली बात है, छोटी सी बात है। और बाइबल में भी लिखा गया है, जब प्रभु यीशु पतरस के घर गया था तब उसने देखा पतरस की सास वहाँ बुखार से पीड़ित थी, प्रभु ने बुखार को डांटा तब बुखार उसे छोड़कर निकल गया, वो चंगी हो गई। ये बात जब मैं बाइबल में पढ़ती थी तब मैं हमेशा सोचती थी, प्रभु ने अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, ये तो बड़ा काम है, पर ये बुखार निकल गया ये क्या बड़ा काम है, इसे बाइबल में क्यों लिख रखा है। पर जब मैं खुद ऐसी भयानक बुखार से गुजर गई तब मैंने जाना बुखार कितनी भयानक बीमारी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसे बीमारी का कोई अंदाजा ही ना हो उसे चंगाई का महत्व कैसे समझ में आएगा, कैसे जानेंगे। जब आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप समझ सकते हैं चंगाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बीमारी से ठीक होने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना शरीर दुर्बल हो जाता है। और यदि कोई हमारे पास आए और बस शब्द बोलकर यानी अपने वचन के द्वारा या छूकर चंगा करे तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकारी सवाल कर रहे थे, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? यीशु का जवाब था, यदि आपकी भेड़ सप्त के दिन, वो भी एकलौती भेड़ है, वो सप्त के दिन गढ़े में गिर जाएगी, क्या उसको बचाओगे नहीं, क्या उसको उठाओगे नहीं, क्या उसको संभालोगे नहीं? यदि आप एक भेड़ की इतनी परवाह करते हैं कि सप्त के दिन भी वो गढ़े में गिर जाएगी तो आप बचाओगे, तो मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा है। इसलिए सप्त के दिन चंगा करना उचित है। और प्रभु ने उस मनुष्य से कहा, अपने हाथ को बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया और तुरंत वो अच्छा हो गया, दूसरे हाथ के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में अपने अद्भुत कामों को और सामर्थ को दिखाना चाहता है, क्योंकि बाइबिल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है। वो नहीं चाहता है हम आंसू बहाते रहे, रोते रहे, गरीबी में, दुख में, अशांति में, परेशानी में अपनी जिंदगी को बिताया करें, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यीशु मसीहा परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के सामने दिखा रहा था, क्योंकि दुनिया सोचती है बीमारी परमेश्वर देता है, संकट परमेश्वर देता है, हर प्रकार का दुख परमेश्वर देता है। वो चाहता है हम बीमारी में रहे, वो चाहता है हम कष्ट के साथ जीवन बिताए। यीशु जब धरती पर आया, यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के सामने दिखाया, परमेश्वर के दिल को दिखाया, परमेश्वर की इच्छा को दिखाया, परमेश्वर की योजना को दिखाया कि वो कैसा है, उसके दिल में आपके लिए क्या भावना है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। यही कि मनुष्य का जीवन खुशी से भर जाए। इसलिए यीशु ने कहा, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और वह बहुतायत का जीवन देने के लिए। चोर कौन है? शैतान है, जो मनुष्यों की चोरी करता है। वो हमारे जीवन की कितनी सारी बातों की चोरी करता है, हमारी खुशी को चुराता है,
हमारे जीवन के शांति को चुराता है, हमारे अच्छी सेहत को चुराता है। वो चोर है जो चोरी करता है, घात करता है और नष्ट करता है, हमारी आत्मा का विनाश करता है। पर यीशु कहता है, मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, सच्चा जीवन, खुशी से भरा हुआ जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, ऐसा जीवन जो हमारे शरीर में सेहत देखे, ऐसा जीवन जो हंसता रहे, शांति से रहे, सफल होते जाए। और इतना सा नहीं, प्रभु कहता है बहुतायत का जीवन, भरपूर जीवन, भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें भी परमेश्वर को साथ देना या प्रतिसाद देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ से परमेश्वर प्रेम है और दूसरी तरफ से मनुष्य का जीवन अंधकार, आंसू और कष्ट से भरा हुआ है। वजह यह है कि परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य अच्छे से प्रतिसाद नहीं दे रहा है, जिसके कारण परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक माँ बाप अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में डालते हैं ये सोचकर कि यहाँ इस स्कूल में हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसकी तरक्की होते जाएगी, उन्नति होते जाएगी और उसका आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। माँ बाप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं अपने बेटे के लिए, ताकि उसकी तरक्की हो जाए और उसका भविष्य अच्छा बन जाए। पर आगे क्या होता है, बेटे का ध्यान पढ़ाई में रहता नहीं है। माँ बाप जो बोलते हैं उसकी बातों को वो सुनता नहीं है। माँ बाप स्कूल की फीस भरते जाते हैं, हर साल हजारों रुपया खर्चा करते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, न जाने कितने कष्ट उठाते हैं और पैसा भरते जाते हैं, उसको ट्यूशन भी भेजते हैं, पैसा भरते जाते हैं ये सोच कर कि इसकी तरक्की हो जाए। पर ये माँ बाप की बात को मानता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है और आगे जाकर भविष्य अच्छा नहीं बनता, बिल्कुल खराब हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप बताइए, इसमें गलती किसकी है, माँ बाप की है या बेटे की गलती है? माँ बाप ने तो अच्छे स्कूल में डाला था, वो पैसा खर्चा भी कर रहे थे अपने बेटे के लिए, शायद खुद के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं लाया होगा, पर बेटे की इच्छाओं को पूरा करते रहे। पर बेटे ने यदि सुना ही नहीं, माना ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं, तो आगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही मनुष्यों के साथ हुआ है। एक तरफ से परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और दूसरे तरफ से लोगों का जीवन कष्ट और दर्द और दुख से भरा है। वजह यह है कि परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य सच्चाई से जैसा देना चाहिए वैसा प्रतिसाद नहीं दे रहा है, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल के अद्भुत कामों को देखो, परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत काम, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जितने सारे अद्भुत काम हुए हैं, उन सारे अद्भुत कामों में मनुष्यों को परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करना पड़ता है, और ऐसा विश्वास जो जीवित हो, मरा हुआ नहीं। जीवित विश्वास, बाइबल में दो विश्वास बताए गए हैं, एक मरा हुआ विश्वास, एक जिंदा विश्वास। मरा हुआ विश्वास कौन सा? बस केवल जबान से बोलते जाना, हाँ मेरा भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, जबान हिलाकर बोलते जाना मेरा भी विश्वास है, पर विश्वास के अनुसार कोई काम नहीं करना। जीवित विश्वास,
जो केवल जबान से नहीं बोलता है मेरा विश्वास है, बल्कि अपने कामों के द्वारा साबित करता है कि हाँ मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है कि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है और वो मेरे लिए जो भी करेगा भला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब एक अन्य जाति औरत यीशु के पास आई थी जिसके बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ा था और उसकी बेटी बड़ी पीड़ा में थी। यह औरत अपनी बेटी को घर में छोड़ के जहाँ यीशु था उस रास्ते पर गई, यीशु को पुकारने लगी, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। यह अन्य जाति औरत थी, यीशु उसकी ओर देख नहीं रहा था, उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। वजह यह थी कि इसराइली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो यीशु को अपना पहला काम उनमें करना था और इसराइलियों के बाद यानी प्रभु का क्रूस का बलिदान होने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे अन्य जातियों के लिए खोले जाने वाले थे यीशु का बलिदान होने के बाद। पर तब तक यीशु का बलिदान नहीं हुआ था तो अन्य जातियों का समय नहीं आया था। ये समय से पहले ही परमेश्वर के अनुग्रह की मांग कर रही थी, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, और प्रभु सुन नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग थे और ये औरत भी चिल्लाकर पीछे पीछे जाया करती थी। चेलों को तंग आ गया और चेलों ने अपने प्रभु से कहा, इसे विदा कर दे, ये चिल्लाते हुए हमारे पीछे बार बार आ रही है, कुछ तो जवाब देकर इसको भेज तो दे, ये बार बार हमारे पीछे आ रही है। प्रभु ने उनको जवाब दिया कि इसराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। जब प्रभु अपने चेलों से ये बातें कर ही रहा था तब तक ये औरत पास आ पहुंची और फिर से वही प्रार्थना, वही चिल्लाहट, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को अच्छा कर। प्रभु उसे कहता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। इस प्रभु के जवाब पर उसने आगे जवाब दिया, सत्य है प्रभु, पर बच्चों के हाथों से जो नीचे गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। जैसे ही उस औरत ने ऐसा जवाब दिया, यीशु कहता है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और बिल्कुल उसी घड़ी उसकी बेटी जो घर में दुष्टात्मा से पड़ी थी, उसे दुष्टात्मा छोड़कर निकल गया और उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है, बस इतना बोलते हुए वो अपने घर में बैठी नहीं रही, वो प्रभु के पीछे 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 चल रही थी। और जबकि वो अन्य जाति औरत थी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का समय आया नहीं था, तब भी वो चिल्लाती रही और उसके चिल्लाने के कारण और अंत में उसके बड़े विश्वास के कारण अन्य जातियों का समय आया नहीं था तो भी इस औरत के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया और उस पर अनुग्रह कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के शब्द है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने बहुत साल पहले गवाही दी थी, उसकी बेटी को यहाँ कपाल के ऊपर कुछ तो ट्यूमर हुआ था, यहाँ के पूरे बाल भी निकल गए थे और हालत बहुत गंभीर थी, बहुत गंभीर। बेटी आईसीयू में थी, जवान बेटी थी, 15-16 साल ऐसी कुछ तो उम्र थी। ये बेटी को अस्पताल में रखकर किसी रिश्तेदार को उसके पास बिठाकर ये बहन शुक्रवार की प्रार्थना में आ गई। बेटी आईसीयू में है, गंभीर हालत में है। ये बहन ने अपनी बेटी के पास किसी रिश्तेदार को रखा
और वो प्रार्थना में आई। उसने दिन भर रोते रोकर अपने बेटी के लिए प्रार्थना की और शाम को प्रार्थना खत्म होने के बाद जब वो घर जा रही थी, अस्पताल से फोन आ गया, बेटी होश पे आ गई है और खाना खाने लगी है। बेटी होश पे आ गई है और खाना खाने लगी है। माँ जब भी अस्पताल में पहुंची, उसने देखा बेटी बहुत अच्छी दिख रही थी, जो ऐसी लाश की तरह पड़ी हुई थी। शाम को जाकर देखा तो उसके चेहरे पर कितना ज्यादा परमेश्वर का तेज दिखाई दे रहा था और उसके कपार के ऊपर जो ट्यूमर आया था वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से खत्म हो गया। वहां अच्छे से नए बाल आ गए और वो बहन अपनी लड़की को लेकर गवाही देने के लिए आ गई। आप जानते हैं वो लड़की ठीक होने के पीछे उसकी माँ का विश्वास है। कौन माँ है जो अपने बेटी को आईसीयू में छोड़कर परमेश्वर के चरणों के पास आएगी? वो कहेंगे प्रार्थना तो बाद में भी कर सकते हैं, पर बेटी के पास अभी रुकना जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं हमारा काम हो जाएगा ना तो हम प्रार्थना में आ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा तो हम प्रार्थना में आ जाएंगे। ऐसे बोलने वाले लोग झूठे होते हैं। जो कहते हैं काम बन जाए ना बन जाए, प्रभु के पास पहले जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, वो हो जाएगा तो हम वैसा करेंगे। परमेश्वर के साथ इस तरीके से व्यवहार मत किया करो। ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को आईसीयू में छोड़ा और प्रार्थना में आ गई, रोकर दिन भर प्रार्थना की, शाम को जाते समय आधे रास्ते में फोन आ गया, बेटी होश पे आ गई। जाकर देखा तो बेटी कुछ नाश्ता कर रही थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई, अच्छी हो गई, विश्वास के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ विश्वास काम नहीं करता है, जिंदा विश्वास काम करता है। ये मनुष्य का हाथ सूखा हुआ था, प्रभु ने कहा हाथ लंबा कर। प्रभु ने पहले उसको ठीक नहीं किया, पहले कुछ करने को कहा, जबकि वो जवाब दे सकता था मेरा हाथ उठता और लंबा हो जाता तो मैं आपके सामने थोड़ा ही खड़ा होता। पर बाइबल कहती है उसने हाथ फैलाया और तुरंत वो अच्छा हो गया। विश्वास के साथ काम करने से परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। विश्वास के साथ काम करने से परमेश्वर का अनुग्रह होता है। लाजर मर गया था, मर के 4 दिन बीत चुके थे, उसको कब्र में रखा गया था, लाश को कब्र में रखा गया था, बड़ा पत्थर उसके ऊपर धरा था। प्रभु जब कब्र के पास गया, प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर को हटाया। पत्थर हटाने के बाद यीशु ने कहा हे लाजर बाहर आ जा, जिसे मर के 4 दिन बीत चुके थे जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल ये है, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु कर सकता है कि 4 दिन मरे पड़े लाश को जीवित कर सकता है, तो क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता था? जैसे कि उसने कहा लाजर बाहर आ जा, तो लाजर की आत्मा पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं थी वहां से तुरंत उसके शरीर में आ गई और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। तो प्रभु ये भी बोल सकता था ना, हे पत्थर हट जा, तो पत्थर हट जाता। प्रभु ने आंधी को डांटा, आंधी चुप हो गई। समुंदर को डांटा, समुंदर चुप हो गया। तो पत्थर को भी बोल सकता था हट जा, पत्थर हट जाता। पर क्यों नहीं हटाया जानते हैं? वहां खड़े मनुष्यों का और विशेष करके लाजर के बहनों का विश्वास परखा गया।
विश्वास परखा गया। क्या सचमुच विश्वास है? एक बहन ने शुरू में अविश्वास दिखाया ही था, क्योंकि जब प्रभु ने पहले ही कहा पत्थर हटाओ, तभी उसने कहा था अब उसमें से बदबू आती होगी, उसे मर के 4 दिन बीत गए हैं, अभी क्यों बोल रहे हो पत्थर हटाने के लिए। यीशु कहता है क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के अद्भुत कामों की पढ़ाई करो, जानोगे कि हर अद्भुत काम के पीछे मनुष्य का जीवित विश्वास महत्वपूर्ण है। जीवित विश्वास, मरा हुआ नहीं। प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। ये जब ही चमत्कार प्रभु ने किया, तब शुरू में प्रभु के चेलों का विश्वास नहीं था। उन्होंने प्रभु से कहा लोगों को विदा कर दो, अभी रात हो रही है, दिन ढल रहा है, इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, इनको भेज दो ताकि आसपास की बस्तियों में जाकर अपने खाने का कुछ तो इंतजाम करेंगे। प्रभु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दे दो। चेले बड़े अचंभित हो गए, इतने हजारों लोगों को हम कहाँ से खाना खिलाएंगे, इतनी हजारों रोटियां हम कहाँ से खरीदेंगे, इतना पैसा हमारे पास थोड़ी है। प्रभु ने पूछा जाकर देखो तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। देखा, वापस आ गए और बताया यहाँ 5 रोटी है और 2 मछली है। आगे जो प्रभु ने कहा, तब चेलों ने विश्वास दिखाया। प्रभु कहता है उसे यहाँ लाओ और लोगों को पाती पाती करके बैठा दो। और चेलों ने काम किया लोगों को बिठाने का, 50-50, 100-100 ऐसे ग्रुप करके पाती पाती बिठाने का काम किया। ये यदि ना किया होता तो प्रभु आगे ना बढ़ता। इनको कुछ तो करना पड़ा। अभी चेले ये भी पूछ सकते थे अभी ये बिठाने का समय है क्या, रात हो रही है, जाने दो ना लोगों को, पहले ही उन्होंने कहा था ना दिन ढल रहा है, तो अभी जब प्रभु बोल रहा है लोगों को पाती पाती करके बैठा दो, तब चेले गए फटाक से लोगों को बिठाने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, 50-50, 100-100 का ग्रुप करके बैठाने लगे, क्योंकि तब तक वे जान गए थे प्रभु कुछ तो करने जा रहा है, कुछ तो करने जा रहा है। उन्होंने लोगों को बिठा दिया, फिर प्रभु ने रोटियां ली, मछली ली, आसमान की ओर देखकर उसको आशीष दिया और रोटियां तोड़कर चेलों के हाथ में दिया। चेले परोसते गए, मछली भी परोसते गए, रोटियां भी लोगों को बांटते गए। रोटियां खत्म नहीं हुई, मछलियां खत्म नहीं हुई, 5,000 से अधिक लोगों ने खाना खाया और जो खाना बच गया उसकी 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा विश्वास, जब प्रभु ने कहा लोगों को बिठा दो पाती पाती करके, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने पाती पाती करके बिठाने के लिए कहा और ऐसा भी कहा हरियाली के ऊपर बैठा दो, हरे घास के ऊपर बैठा दो। हमारा प्रभु कितना सिस्टमेटिक है, अनुशासन का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना खाने के लिए लोग भीड़ ना करे, एक दूसरे को धकेले ना, तो प्रभु ने पहला चमत्कार नहीं किया। यदि पहले ही किया होता तो लोग एक दूसरे को धकेलते जाते, खींचते रहते, मुझे दे दो मुझे दे दो, क्या पता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु ने पहला वो खाना रख दिया, लोगों को हरे घास पे बिठा दो, 50-50, 100-100 करके उन्होंने बिठाया, हो गया, बैठ गए लोग। अभी वो खाना उठाया, स्वर्ग की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, तोड़कर चेलों के हाथ में दिया, फिर चेले परोसते गए, लोगों ने आराम से खाना खाया और बची हुई रोटियां और मछलियां उनकी 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हर एक चमत्कार में हमें कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है कि प्रभु ने बैठने के लिए क्यों कहा, पाती पाती बिठाने के लिए क्यों कहा, ये होने के बाद ही प्रभु ने क्यों चमत्कार किया। ये सारी बातों से हम ये भी जानते हैं कि प्रभु कितना अनुशासन का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदा विश्वास महत्वपूर्ण है, मरा हुआ विश्वास काम नहीं करता है। आपको जानना है, आप यदि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य की और अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपको जानना है कि मुझे मेरे विश्वास के अनुसार क्या काम करना है। आपको जरूरी है, बस बोलते मत जाए, हाँ मेरा विश्वास है, एक दिन प्रभु करेगा, एक दिन प्रभु करेगा। आप केवल इतना बोलते मत जाइए, विश्वास के अनुसार काम भी कीजिएगा। आप बोलेंगे मेरा विश्वास है प्रभु एक दिन मुझे अच्छा करेगा, और आप हाथ में मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, तो क्या प्रभु आपको अच्छा करेगा? आप बोलते हैं मेरा विश्वास है प्रभु मुझे चंगा करेगा, तो मोबाइल छोड़ दो, घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, मन में गुस्सा है गुस्सा निकाल दो, प्रभु आपको जो करने के लिए बोल रहा है वो तो करो। हमें प्रभु छोटा काम करने के लिए बोलता है, बड़ा काम वो करता है, बड़ा काम वो करता है। पत्थर हटाना छोटा सा काम है, वो प्रभु हमें बोलता है। लोगों को पाती पाती बिठाना छोटा सा काम है, ये प्रभु हमें करने के लिए बोलता है। लाजर को जिंदा करना बड़ा काम है, वो प्रभु करता है। 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीषित करके बढ़ाना और 1,000 लोगों को खिलाना, ये बड़ा काम है, ये प्रभु करता है। हमें छोटा काम करने के लिए बताया जाता है, वो हम करते हैं तभी हम अपने जीवित विश्वास को दिखा देते हैं, जीवित विश्वास को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह को, प्रेम को और सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, बीमारी हो, संकट हो, आप कितने भी कठिन मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे, प्रभु आपको इनसे बाहर निकालना चाहता है और आशीषित करना चाहता है। पर आप देखो, आपका विश्वास जीवित है या मरा हुआ है? अपने विश्वास को जीवित कर दो, जीवित विश्वास के साथ काम करते जाओ। बाइबल कहती है, बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। जो कर्म के साथ विश्वास होता है वही जिंदा विश्वास होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहो, विश्वास में बने रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होते जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। लीला कुम। कहाँ से आए हैं आप? हम संजान से आए। गुजरात में आया, गुजरात से आए हैं? गुजरात से। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही, वो साथी में दुख रहा था, वो एसिडिटी हो गई, तो चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो डॉक्टर बोला वो तो एसिडिटी हुआ, तो मैं दवाई खाती थी। इतने अभी इधर शिविर में आया, शिविर में आया से शिविर में लाश का भाग लिया, तो मेरे दर्द निकल गया, तभी पर भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आपको एसिडिटी की तकलीफ थी, चाय पीने से भी एसिडिटी आपको हो जाता था, जलन हो रहा था सीने में? सोमवार से चाय पीते रहे तो कुछ नहीं हुआ मेरे को। आप घर पे चाय पीते थे तभी आपको एसिडिटी की समस्या आती थी, लेकिन यहाँ पे शिविर में आपने सोमवार को भाग लिया और विश्वास से आपने चाय पीना शुरू किया, चाय पी रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, आपको एसिडिटी नहीं हुआ तो, और अभी जलन भी नहीं है सीने में? नहीं है, पूरा ठीक हो गया है। प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया। काम के आपकी क्या गवाही है? मैं अभी बोट में गया था, उधर शिप में काम करने के लिए, तो मैं उधर गया और 4-5 दिन रहा, और मच्छी मारने के लिए मैं बोट में से निकल उधर दरिया में गया, उधर तो उधर गया और 4-5 दिन मैंने काम किया, और 5-6 दिन काम किया, और मेरे सीने में बहुत दर्द हो गया, और मैं गिर गया और सो गया, और मैं बहुत रोने लगा, और मैं
बहुत रोया, मेरा बहुत दर्द हो रहा था और मैं फ़ोन किया घर पे, और मेरी माँ है वो भी चर्च में जाती है, मैंने उससे कहा मुझे प्रार्थना करो, तो मैं बोला मुझे प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर, वो ठीक हो रहा, बार बार मेरे को वो होता ही रहता था, लेकिन वो जो बोट में लेके गया था वो मैंने उसको बोला कि मुझे दवाखाने उधर लेके चल, पर वो बोलता है नहीं तेरे को ठीक हो जाएगा तू यहीं रुक, मेरे को लेके नहीं जा रहा था, लेकिन मैं फिर से बोला कि मेरे को ये नहीं ले रहा है, तो मम्मी ने बोला मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो प्रार्थना किया और मुझे दूसरे बोट में बिठा कर मेरे को लेके आया और मुझे वो बस में बिठा कर मुझे घर तक वो मैं सही सलामत आ गया, और उधर से मेरे को बोला कि तू इधर प्रार्थना में चल, इधर शिविर कर तो तू अच्छा हो जाएगा। मैं बाद में इधर आया और दो दिन प्रार्थना किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे आशीर्वाद भी कुछ प्रार्थना नहीं, मैं किया सब कुछ किया लेकिन मुझे कुछ नहीं चंगा मिला, लेकिन अभी मैं नाच गाता रहा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरे आँखों पे रोशनी जैसी आई और मैं गिर गया और मुझे प्रभु ने चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब आपको जब इस सीने में दर्द हो रहा था, दो दिन आपने यहाँ पे निवास शिविर में भाग लिया, कोई अनुभव नहीं आया? कोई अनुभव नहीं आया मेरे को। और आज जब यहाँ पर आखिर की प्रार्थना में नाच गा करके आपने भाग लिया, हाँ मैं नाच, और उस समय पर आपके आंखों के सामने बड़ा प्रकाश आ गया, बड़ा प्रकाश आया और मैं गिर गया। आप गिर गए प्रभु के सामर्थ से, और उसके बाद अभी सीने में दर्द नहीं नहीं हो रहा है, सीने में दर्द। प्रभु ने इनको चंगा किया है, आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ह्या बहिणीचं नाव आहे नरबत पवार। ही बहीण साक्ष देते, गेली 2 वर्षे या बहिणीच्या शरीराची डावी बाजू दुखत होती। ही बहीण म्हणते की त्यामुळे तिला काही काम करायला पण जमत नव्हतं, आणि ह्या त्रासामुळे तिचा डाव्या डोळ्यातून सतत पाणी येत राहायचं, आणि त्याच डाव्या पायाला तिचा तो पाय खूप दुखायचा आणि पाय चावत राहायचा। औषधोपचाराने तिला काहीच गुण आला नाही। ही बहीण या शिबिरामध्ये तिने भाग घेतलेला आहे। आता जी शेवटची प्रार्थना झाली आणि या प्रार्थनेमध्ये जे नाचून गाऊन भाग घेण्यात आला, या प्रार्थनेमध्ये प्रभू येशूने या बहिणीवर कृपा केलेली आहे। ही बहीण म्हणते जेव्हा ती नाचून गाऊन प्रार्थनेत भाग घेत होती, ती पण खाली पडली आणि त्याचवेळेला तिच्या अंगावर येऊन बरोबर शरीराच्या त्याच डाव्या भागावर एक बहीण येऊन तिच्या अंगावर पडली, आणि त्याचवेळेला तिला प्रभूचा असा स्पर्श झाला की ज्यावेळेला ती बहीण तिच्या अंगावर पडली तेव्हाच तिच्या त्याच शरीराच्या त्या भागातून कडकड असा आवाज आला, आणि तेव्हापासून तिचं ते दुखणं जे 2 वर्षांचं होतं ते पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे। तिचा जो पाय चावत होता, दुखत होता, तो पण दुखायचा बंद झालेला आहे, आणि डाव्या डोळ्यातून जी सतत पाणी येत होतं ते पण त्या क्षणापासून थांबलेलं आहे। म्हणून ही बहीण प्रभू येशूचे आभार मानते। ताई डोळे उघडा, आताच्या प्रार्थनेत काय झालं सांगा। आताच्या प्रार्थनेत वरदानाने सांगला नाचून गाऊन स्तुती करा, आणि मी नाचून गाऊन प्रभूची स्तुती करत असताना खाली पडलो आणि माझ्या हे इकडून डावे बाजून कोणीतरी दुसरी पडली मला माहीत नाही, आणि इथपर्यंत कडकडकड आवाज आला आणि मी उठून सगळं अंग चेक केला, माझे काही दुखत नाही। तुम्हाला त्रास कधीपासून होता? 2 वर्षापासून होता। 2 वर्षापासून तुमची डावी बाजू दुखायची, आणि आताच्या प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला प्रभूने स्पर्श केला आणि तुम्हाला असा कडकडसारखा आवाज आला आणि आता दुखणं निघून गेलेलं आहे। ही बहीण आपल्या मुलाची साक्ष देते। ही बहीण गेले 1 वर्ष या प्रार्थनाघरामध्ये प्रार्थनेला येत आहे आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंबच प्रार्थनेला येते, परंतु ही बहीण म्हणते की हा त्यांचा सर्वात मोठा मुलगा आहे। हा मुलगा गेल्या 1 वर्षात कधीच इकडे प्रार्थनेला आलेला नाही आहे, शिवाय तो प्रभू येशूवर विश्वास पण ठेवत नव्हता। ही बहीण या मुलाने प्रभूवर विश्वास ठेवावा आणि त्यांनीकडे प्रार्थनेला यावं म्हणून या बहिणीने गेली 1 वर्ष रडून प्रभू येशूकडे प्रार्थना केली। एवढी प्रार्थना केली की शेवटी ती प्रार्थना करण्याचं तिने प्रार्थना करणं सोडून दिलं नाही, पण प्रभूला म्हटलं की प्रभू येशू मी एवढी प्रार्थना करते, एवढ्या विनंत्या करते, पण माझा मुलगा काही तुझ्याकडे यायला तयार नाही आहे। ही बहीण जर असंही म्हणते, एकदा ह्या मुलाने सांगितलं की तुम्हाला गाडी घेऊन देशील तर मी प्रार्थनेला येणार आणि येशूवर विश्वास पण ठेवणार। मग या बहिणीने घरात अगोदर 2 गाडी आहेत 2 व्हीलर, तरी पण या बहिणीने ह्या मुलाने येशूकडे यावं म्हणून त्याच्यासाठी दुसरी नवीन गाडी घेऊन दिली, आणि गाडी घेऊन दिल्यानंतर त्याचा विचार बदलला आणि तो पुन्हा प्रार्थनेला त्याने येण्याचं नाकारलं। ही बहिणीने सुद्धा मग ठरवलं की आता प्रभू येशू
तूच काय ते करणार आहेस, माझ्या मुलाला तुझ्याकडे तूच घेऊन येणार आहेस. आणि प्रभू येशूने खरोखऱ्या म्हणीची प्रार्थना ऐकलेली आहे. ही बहीण म्हणते, ही बहीण या ठिकाणी जेव्हा शिबिरासाठी या सोमवारी यायला निघाली तेव्हा या मुलगासुद्धा त्यांच्याबरोबर शिबिरासाठी यायला स्वेच्छेने तयार झाला आणि आज या शिबिरामध्ये आलेला आहे. तो म्हणतो, मी प्रभू येशूवर विश्वास ठेवलेला आहे आणि त्याला या शिबिरामध्ये आनंद मिळालेला आहे. प्रभू येशूने या मुलावर आणि आईवरसुद्धा दया केलेली आहे. म्हणून सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. तुमचं नाव सांगा. सविता गणपत असल्या. तुम्हाला संपूर्ण अंगामध्ये तुम्हाला त्रास व्हायचा, दुखायचं? हा, दुखायचा मला सगळा शरीर. आखा सांधा उठायचा नाही, बसायचा नाही, एवढा दुखता. कधीपासून त्रास होता तुम्हाला? सोमवार पहिला आल्यावरसून मला दुखत होता, पण सोमवारशी नाही दुखत. म्हणजे एक महिन्यापासून तुम्हाला हे सर्व त्रास होत होता, संपूर्ण अंग दुखायचं, संपूर्ण सांधे दुखायचे. आणि सोमवारी जेव्हा तुम्ही इथे आलात शिबिरासाठी तेव्हापासून आता दुखत नाही? काहीच नाही दुखत. काहीच दुखत नाही? काहीच नाही दुखत. सांधे वगैरे, हातपाय काहीच त्रास नाही? नाही. संपूर्णपणे प्रभूने तुम्हाला बरं केलं. हा. आणि पुढची काय साक्ष? तुम्हाला वाईट स्वप्न पडायचे? वाईट स्वप्न पडायचे ते कमी रात्री उठून ना विचार करत, मला कसा खराब खराब स्वप्न येत असा मी विचार करते. काय पण घुटणे पडून मी प्रार्थना करते तसे. जे वाईट स्वप्न तुम्हाला जेव्हा पडायचे रात्रीच्या वेळेस, तुम्ही उठून घुडगे टेकून प्रार्थना करायचे आणि शिबिरामध्ये देखील तुम्ही प्रार्थना केली आणि आता तुम्हाला वाईट स्वप्न पडत नाही. प्रभूने हे देखील त्रास काढून टाकला. म्हणून सर्वांनी मोठ्याने ताळ्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. बहन जी, आपका नाम बताइए. चंदन राजभर. क्या हुआ था आपको? ते सीना चल रही थी. मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाती थी. ये कब से हो रहा था? एक साल से. और क्या क्या परेशानी होती थी? और कमर में दर्द भी थी. मतलब जा रही थी नए गांव में जाती थी, इधर सिविल में नाम लिखाई गए हफ्ते तो मतलब आ नहीं पाई. बहुत रिक्वेस्ट से यहाँ आई. यहाँ आते टाइम फिर मुझे बाथरूम बार बार जाना पड़ता था, मैं बैठ नहीं पाती थी. इधर मेरा पैर भी इतना सूज गया था. उधर वो जो थोड़ा सा इटका नहीं था उस पर एक ही बार गई, इतना मेरा पैर सूज गया. और मेरे को इतना बाथरूम कि मैं बैठने लायक ही नहीं थी. लेकिन कल सिस्टर आई, जब हाथ रही गिरी मुझे बहुत अच्छा लगा. सुबह उठी मेरा शरीर एकदम चंगा था और हंसी खुशी लग रहा था. सीने में तोड़खा भी, घबराहट नहीं है. अरे बिल्कुल भी घबराहट नहीं है. मतलब ऐसा होता था कि कहाँ पर शोर वगैरह आपको या आवाज़ कहीं ज़्यादा सुनते थे तभी आप? पसंद नहीं था कान में. मतलब रुई डाल के रखते थे हम लोग, कान में रुई डालकर रखते थे. हल्ला बिल्कुल पसंद नहीं था. मतलब थोड़ा भी अगर हल्ला हो गया तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ती थी. मैं ईयरफोन भी लगा के मतलब मोबाइल में नहीं देख सकती थी लंबा ऐसा. मतलब फोन में अगर ईयरफोन लगा कर कान में डाला तो वो भी आपको सहन नहीं होता था? होता था, एकदम नहीं सहन होता था. तो फिर जब आप यहाँ पर सोमवार को आए तभी आपको ये परेशानी थी? आई थी परेशानी. ये परेशानी थी आपको यहाँ पे जब गाना वगैरह आते टाइम? मुझे इतना बाथरूम महसूस, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था कि मतलब आते टाइम इतना, मतलब किधर भी जाऊँ कैसा भी जाऊँ मैं बोलती थी. मतलब बार बार आपको संडास के लिए जाना पड़ता था. दिल की धड़कन बढ़ जाती थी तभी, बेचैनी घबराहट बढ़ जाती थी. एकदम कंट्रोल नहीं होता था. इधर जब से आई तब से मतलब कल शाम से मुझे बहुत अच्छा बोला है. शरीर भी फ्री है और हंसी भी आई बहुत ज्यादा. अभी एकदम आनंद हो गया है? आनंद है शरीर. जब सिस्टर ने आशीष दिया उसके बाद से? उसके बाद से. आप बताइए, आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं लगती थी? नहीं लगती थी. मैंने रात आप अच्छे से सोए? कल सबसे पहले मैं ही सो गई इधर जाके, सबसे नंबर पहले मैं ही सोई. नहीं मुझे नींद जल्दी आती नहीं थी. हमने इतनी बड़ी दया आपके ऊपर की. बड़ी दया क्या, मैं सबसे पहले बच्चे लोग से पहले ही सो गई मैं, क्योंकि नींद जल्दी मुझे आता नहीं था. पहली बार फर्स्ट टाइम में मुझे नींद आया है. और ये दो तीन साल से ऐसा चल रहा है. दो तीन साल से चल रहा था? साल से चल रहा है. प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया और इतने सालों की समस्या पूरी तरह से निकाल दी. हाँ ठीक हुआ. आज सुबह में यहाँ पर गाना, स्तुति, आराधना, आवाज शुरू था, प्रवचन था, अच्छे से मैंने दिया. मैं अच्छे से भाग लिया. मैंने किधर भी नहीं गई, एक बार भी नहीं गई. बार बार बाथरूम के लिए जाना नहीं पड़ा? नहीं गई, एक बार गई सुबह से बस, फिर नहीं गई. घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन भी नहीं बढ़ती? कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, नॉर्मल दिख रहा है. मुझे खुद चंगा अच्छा लग रहा है, हंसी आ रही है मुझे कि मैं कैसी हूँ. इतने सालों के बाद प्रभु ने आपको खुशी दे दी. हाँ खुशी दिया. और आपकी बेटी की क्या गवाही है? इसका पैर, सिर, माड़ी, पेट एक महीने से लगातार दुखता था. हम लोग के बोलता था, दो तीन बार दवा भी लाई लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ. तो गए हफ्ते में हम लोग सिविल में नाम डलवाए लेकिन हम लोग आ नहीं पाए.
तो फिर मेरा आदमी ने बोला विश्वास कर चलते हैं, यहाँ पर सिविल करके आएंगे, उसके बाद हम लोग दवा वगैरह करेंगे। फिर हम लोग विश्वास के साथ यार सिविल में आए। एक खाना जिस दिन आया, परसों के दिन इसने खाना खाया और हम लोग से आके बोला, मम्मी मेरे नाक से कुछ तो धुआं, काला जैसा धुआं जैसा रिखना। तो हम लोग ने बोले कि ठीक है, अच्छा देखते हैं। फिर हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं बोली चलो लास्ट वाले दिन के अगर एक बार नहीं बोलेगा तो हम लोग गवाही देने चलेंगे। लेकिन एक बार परसों से, कल से लेके एक बार भी नहीं बोला कि मेरा दुख रहा है। वरना उसके सर में, पेट में, पैर में हमेशा दर्द होता था। तुम्हारे सर में दर्द होता था? हाँ। और क्या क्या दुखता था? मेरा सर, पैर और माड़ी भी दुखता था। और फिर जब भी आपने खाना खाया तभी क्या हो गया? तब भी मेरे पेट में जैसा जल लगने लगा, आग जैसा, फिर नाक में से मेरे धुआं निकला काला। जब भी आपने खाना खाया तभी पेट में जलन जैसा होने लगा, आग जैसा महसूस होने लगा और नाक से धुआं जैसा निकला? हाँ। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मुझे कुछ नहीं दुख रहा था। उसके बाद से कुछ भी नहीं दर्द हुआ? नहीं। प्रभु ने इस छोटे बेटे के ऊपर महान ऐसी दया की है, उसको चंगा किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम लाल जी यादव है। मैं वाली बसई ईट से आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम सिविल लिया हूँ और शिविर में ऐसा जानता नहीं शिविर क्या चीज़ होता था, लेकिन सोमवार को मैं आया तब से आज तलक हमको प्रभु का बहुत अनुभव मिला, यानी इतना शांति मिला, प्रभु ने एकदम शांति से भर दिए मुझे। आप बता रहे कि आपको कुछ दिनों से एकदम आपके शरीर के ऊपर भारी बोझ है ऐसा लग रहा था, वजन जैसा लग रहा था, लेकिन जब से आया हूँ तब से धीरे धीरे सब, आज तो एकदम पूरा हल्का हो गया, एकदम शांति। आपका नाम बताइए। सुशीला दिव्य निषाद। सुशीला निषाद, क्या गवाही है? गवाही है 4 साल से मैं परेशान हूँ पेट से। 4 साल से परेशान थे पेट की वजह से? क्या होता था पेट? वो कुछ भी चिकन विकन कोई तेल मसाला खाती हो तो पेट गड़ने लगता है, उल्टी भी होता है, जुलाब भी होता है, मेरा शरीर बेबस में हो जाता है। शरीर बेबस हो जाता था, इतना आप लाचार हो जाते थे? हाँ, मेरे लड़की लड़का लोग पकड़ के लाद के ले जाते हैं लोग हॉस्पिटल में। सुई दवा कुछ होता है तो थोड़ा सा आराम होता है, महीना में 2 बार हो जाता है। 5 महीना हो गया वो जो बरौदर का माटी होता है, तेल होता है, सुबह ब्रश करती हूँ तो ऐसे माटी ले पहले फक लेती हूँ, तेल एक ढक्कन पी लेती हूँ। 5 महीना से मैं एकदम आराम हूँ। चिकन मिकन सब, तेल मसाला सब कुछ खाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। 5 महीने से एकदम आराम से है? 5 महीना से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी खाती हूँ। वरना पहले आप खाते थे तो क्या होता था? आपको जुलाब शुरू होती थी? जुलाब भी होता है, उल्टी भी होता है, वही मान पीड़ा पेट में होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता था। ज्यादा ये महीने में कितने बार होता था? बार हो जाता। किस समय पर? 12 से 1 बजता है। बाद 12 से 1 के समय पर? दिन में कभी नहीं, 12-1 बजे के बीच में होता था। और रात में लेके इधर से लोग, मेरा लड़का आदमी BMC लेके लोग भागता है, डॉक्टर सुई दवा देता है तो कुछ के लिए टाइम के लिए आराम होता है। ऐसा तकलीफ आपको 4 साल तक? हाँ। और दाल, आए दही दूध और पालक का भाजी 4 साल में ऐसे खाती रही, कुछ नहीं तेल मसाला कहीं कुछ नहीं। 4 साल तक आप क्या क्या? दाल, पालक, दही। हाँ, बस यही खाती थी। मतलब हल्का ठंडा खाना खाते थे? बस यही खाती थी। इसके अलावा कभी कुछ मतलब गर्म पदार्थ मसाला वाला कुछ नहीं? तेल वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। किसी के शादी ब्याह में गए तो? ब्याह में जाती थी तो उससे दही मांग के दही से चावल चाहे रोटी खा लेती थी। इतनी नौबत बढ़ गई थी? हाँ, डर के माले कुछ खाती नहीं थी, किसी के घर जाती थी तो नहीं खाती थी। और आप यहाँ पे प्रार्थना में कब से आ रहे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। आप ब्रदर की कब्र की मिट्टी सुबह ब्रश करने के बाद मुंह में डाल लेते थे विश्वास के साथ? विश्वास के साथ। और तेल पी लेते थे? तेल पी लेती थी। उससे अभी 5 महीने हो गए, अभी बिल्कुल अच्छे से? हाँ, सब कुछ खाती है, चिकन मटन मच्छी सब कुछ खाती है। प्रभु ने इनके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप
आपका नाम बताइए। सुशीला यादव। क्या गवाही है? मेरी यही गवाही है कि मैं मेरे आँख से 12 साल से नहीं दिखता था। अभी 1.5 महीना हो गया, मैं आई इधर खिचड़ी खाई तो मेरे आँख से मैं ऐसा देखा तो मेरे को लगा कि बहुत दिखाई दे रहा है दूरी लेने। तो पहले मतलब 12 साल से आप आँखों से ठीक से देख नहीं पाते थे? नहीं। मतलब दूर का नहीं दिखता था या नज़दीक का? दूर और नज़दीकी का दोनों ओर का नहीं दिखता था। मतलब धुंधला दिखता था, साफ नहीं दिखता था? साफ नहीं दिखाई देता था। तो आपकी ये समस्या कैसे निकल गई? मैं वही तेल लगाई थी, बिनती पेटी में चिट्ठी लिख के डालती थी और प्रार्थना करती थी। और 1 महीना पहले क्या हुआ? 1 महीना पहले हमें मेरे बेटी को मेरे को अपने यहाँ पे विश्वास से खिचड़ी खाया। खिचड़ी खाया उस दिन तो मेरे को लगा कि आँख से मेरे पूरा एकदम साफ दिखाई दे। और तभी से आपको दोनों आँखों से साफ दिखाई देता है? साफ। अभी अभी धुंधला दिखाई नहीं देता? नहीं। नज़दीक का भी दिखाई देता है, मतलब आप पढ़ भी पाते हो? हाँ, अब पहले बाइबल भी नहीं पढ़ती थी, अभी बाइबल भी पढ़ ले रही। पहले बाइबल नहीं पढ़ पाते थे लेकिन अभी पढ़ पाते हो? हाँ, अभी पढ़ पा रहे हैं। और आपको दूर का भी दिखाई देता है? हाँ, दूर का भी दिखाई देता है। अभी पीछे दूर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, वो सिस्टर लोग खड़ी हैं, पर्दा लगा है। अभी साफ देख पाते हो? अभी साफ देख रहे हैं। प्रभु का बड़ा अनुग्रह हो गया और ये समस्या आपकी निकल गई, अभी साफ दिखाई देता है। मैं विश्वास से तेल मिट्टी सब कुछ लगाती थी कि हे प्रभु तू ही देखेगा। डॉक्टर के पास गई तो बोला चश्मा लगेगा। मैं बोला क्या करूं प्रभु, लेकिन प्रभु ने आपको ठीक किया। हाँ, ठीक किया। अगली क्या गवाही है? अगली है मेरी बेटी है, उसको मेरे को बहुत खुजली होती थी। मैं कब से हो रही थी? अभी 6 महीना से हम लोग को बहुत खुजली होती थी। तो मैं बोला क्या करूं प्रभु, इधर चिट्ठी लिख के बिनती पेटी में डाली, प्रार्थना की। जब ये बोलती थी एकदम पूरा इसका बदन खुजली से एकदम मेरा भी खुजलाता था। तो मैं बोला क्या करती, जब ये रोने लगती थी तो तेल लेकर मैं इसके शरीर में पूरा अपने भी शरीर में लगाई। अभी 1.5 महीना हो गया, हम लोग बहुत अच्छी हूँ। अभी 1.5 महीना हो गया है, प्रभु का अनुग्रह हो गया और खुजली की समस्या दोनों की निकल गई। हाँ, अभी बिल्कुल खुजली नहीं होती। हाँ, आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। इस बहन का नाम सीमा गुप्ता है। वो बता रही कि करीबन 17 साल से वो भाड़े के घर में रहती थी और उनकी इच्छा थी खुद का घर लेने की, लेकिन पैसों की कमी की वजह से और कुछ कारण की वजह से वो घर ले ही नहीं पा रही थी। उन्होंने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती रही, प्रभु पर विश्वास बना के रखा और इतने 17 साल के बाद अभी उनको 2 साल हो गए, उन्होंने खुद का घर ले लिया है। वैसे वो उत्तर प्रदेश में रहती है, उनका घर है वहाँ पर वहाँ पर उनको खुद का घर बांधना था, नया घर बांधना था। उसके लिए भी उन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना करती रही, प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने अपने गांव में भी घर बांध के लिया है। इसके अलावा उनको पहले 3 बेटियाँ हैं, उनको बेटे नहीं थे। उन्होंने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती रही, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया। 3 बेटियों के बाद प्रभु ने उनको ये बेटा देकर आशीषित किया है। इसीलिए आप लोग ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आप मुझे बताइए, कितने साल आप भाड़े के घर पे थे? 17 साल। 17 साल हमेशा भाड़े के घर पे रहते थे? करते थे, बहुत भाड़ा दे चुकी हूँ। मैं प्रार्थना में जब से आने लगी, मैं प्रभु से प्रार्थना किया है, प्रभु से मैं रहने के लिए वो शरण दे दो, मैं तुम्हारे शरण में आऊँगा। मैं मेरे पास कोई नहीं है साथ देने वाला, कोई नहीं थे। आप मुझे बता रहे कि 17 साल आप प्रभु पर विश्वास में बने रहे, प्रार्थना करते रहे और उसके बाद अभी आपका खुद का घर हुआ है? दो घर हो गया खुद के मेरा। दो घर हो गए? दो घर हो गए, दानूबर में हो गया है, नालासुपारा में हो गया है, गाँव में भी खुद के ले लिया हूँ। प्रभु के नाम से धन्यवाद, खोटी खोटी धन्यवाद। बम्बई में यहाँ पे आपको 2 घर और गाँव में भी घर हो गया? आपने प्रभु पर विश्वास रखा। और ये बेटा अभी कितने साल का है? 11 साल के है, 3 बेटी पे बेटा हुआ है। मेरे सास ने बोली तू बेटा खरीद। आप बता रहे 3 बेटी के बाद ये बेटा हो गया, पहले 3 बेटी थी। आपने प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु के अनुग्रह से अब ये बेटा हुआ है? बेटा हुआ है। सभी लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम काशीनाथ दास है। ये बता रहे हैं कि 1 साल पहले इनको दुष्टात्मा का तकलीफ हो गया था। तकलीफ ऐसा था कि इनको दिल में बहुत ज़्यादा डर भय हमेशा लगता था, घर में रहते थे तो भी, और डर के वजह से इनकी घबराहट बेचैनी इतने ज़्यादा हो गई कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए और इलाज करवाए तो इनका वो तकलीफ गया नहीं। ब्लड प्रेशर इनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, दवा इलाज चलता रहा और प्रभु से प्रार्थना करते गए कि प्रभु ये मेरा ठीक नहीं हो रहा है। गए साल में अगस्त महीने में जब यहाँ पर प्रार्थना में आए थे
तो उपवास प्रार्थना में भाग लिए, प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ, उसके बाद से इनका तकलीफ धीरे धीरे कम हो गया। बता रहे हैं कि अभी एक साल से अभी इनका दवा लेना बंद है, दवा नहीं ले रहे हैं, अभी इनका दिल एकदम शांत है और प्रभु की महान शांति आ गई है, अब इनका कोई डर भय नहीं लगता है। इसके अलावा बता रहे हैं कि गए अगस्त महीने में इनको दांत में दर्द हो गया था, हिल रहा था, बहुत तकलीफ़ था, खाने पीने में बहुत समस्या हो रही थी, परेशान हो गए थे। बता रहे हैं कि जब स्मृति दिन ब्रदर का जब आया अगस्त महीने में, तो वहां पर वो पहुँच गए थे, प्रार्थना में भाग लिए, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह इनके ऊपर हुआ, तब से इनके दाँत की सारी समस्या पूरी तरह से निकल गई है। आप लोग तालियाँ बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम रवि पटेल है। ये बता दें कि इनको एक डेढ़ साल से बवासीर की समस्या थी और संडास के रास्ते से खून जाता था, लेकिन ये भाई का प्रभु यीशु पर विश्वास था। ये विश्वास से उसी हालत में प्रार्थना में आते रहे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे और उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके हो गई और इनकी जो बवासीर की समस्या थी अभी पूरी तरह से निकल गई है। 6 से 7 महीना हो गया है इनकी समस्या को प्रभु यीशु ने पूरी तरह से निकाल दिया है। इसके अलावा ये उनका बेटा है, इनके बेटे को बचपन से ही एक शारीरिक समस्या थी, उस शारीरिक समस्या के लिए ये भी अपने बच्चों को विश्वास से प्रार्थना में लाते रहे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे, उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके बच्चे के ऊपर हो गई और इनके बच्चे की जो बचपन की जी शारीरिक समस्या थी वो भी निकल गई है। वो इसके अलावा ये बताते कि गए महीने में इनको अचानक से जुला उल्टी का तकलीफ शुरू हुई और उल्टी की वजह से उनका मुंह भी कड़वा होता था, उसके लिए भी इन्होंने विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके बच्चे को हो गई और इनकी ये भी समस्या प्रभु यीशु ने निकाल दी है। अभी ये दोनों भी भले चंगे हैं, इसीलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आपका नाम बताइए। रंगीला मिश्रा। क्या हुआ था आपको? पिछला शुक्रवार को मेरे पैर हाथ में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा, बैठ भी नहीं पा रही थी और शनिवार को मैंने उपवास रखा तो मैं बैठ के प्रार्थना वार्थना नहीं कर पा रही थी, तो मैंने बहुत रोई, बोली कैसे मैं प्रार्थना करूँ, हमसे नहीं हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है और कंठ भी बहुत दर्द कर रहा था और मैं खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और पिछला संडे के 1 तारीख को मैंने यहाँ पर आई और खिचड़ी खाई यहाँ पर, तो मेरा कंठ का दर्द सही हो गया और मैं भी ठीक हो गई। मतलब जो गले में दर्द हो रहा था और हाथ पैर में दर्द हो रहा था उसकी वजह से आप जब गए सप्ताह में आ गए तो यहाँ का खिचड़ी खाने के बाद गले का दर्द भी निकल गया, हाथ पैर का दर्द निकल गया। हाँ, सब दर्द निकल गया। इसके अलावा बेटी को क्या हुआ था? उसको फोड़ा निकल गया था कमर के पास, तो इसको 15-20 दिन हो गया तो इसको फोड़ा निकल गया था, बहुत दर्द कर रहा था इसको, इस बैठ नहीं पा रही थी और मैं 2-3 दिन चर्च में भी नहीं आई थी, संडे को भी, शनिवार को भी नहीं और अगला संडे को भी नहीं आई थी। पिछले संडे को तो हम सोचे थे कि आके पिछले संडे को आप नहीं आए जब इसको फोड़ा हो गया था तभी? नहीं, तो हो गया 25 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया उधर, तो मैं बोली कि जैसे इसको फोड़ा निकल आया है तो इसको मैं कैसे लेकर जा, पैंपर्स वेम्पर्स नहीं पहना पाऊँगी, इसको बहुत दर्द कर रहा था, तो हम कैसे जाएंगे कैसे, तो मैं यीशु प्रभु का जो प्रार्थना केंद्र में जो तेल मिलता है वो मैंने तेल इसको लगाया और उसके बाद कल होकर मैंने देखा तो ठीक हो गया, धीरे धीरे उसका ठीक हो रहा था, बैठ भी पा रही थी, खेल भी रही थी और इसको अगला संडे को फिर उसके बाद मैंने इसको लेके आई पैंपर्स पहना कर, इसलिए मैं यीशु प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसके फोड़े की वजह से आप प्रार्थना में नहीं आ पा रहे थे कुछ दिनों तक, लेकिन जब आपने प्रार्थना का तेल इस्तेमाल किया तभी उसका फोड़ा भी फूट गया, सूख गया और अभी आप वो प्रार्थना में लेकर आए हैं। हाँ, लेकर आए। सभी लोग ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम सुभद्रा गोरखने है, ये इनकी बेटी है। ये बहन अपनी बेटी के बारे में बता रही है कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई करते समय उसे स्कूल जाते समय डर लगता था और वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बहन ने अपनी बेटी को बताया कि तू प्रार्थना कर और प्रार्थना करके स्कूल जाया कर, तभी ये बहन विश्वास से बाइबल पढ़ती थी और अपने पेट के ऊपर जो अपना प्रार्थना का तेल है उसका इस्तेमाल करती थी, उससे प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होते गया और उसके मन में से डर निकलने लगा और प्रभु के अनुग्रह से वो हर दिन स्कूल जाने लगी और उसको 10वीं में 55% उसको
55% उसको अच्छे नंबर से प्रभु ने उसको पास किया है। वैसे ही ये बहन बता रही है कि गए 2 महीने से इसे शारीरिक तकलीफ थी इस बहन को, और इसके लिए भी उसने विश्वास से बाइबल पढ़ती रही, वचन बोलती रही, उससे प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होते गया और उसकी वो समस्या भी पूरी तरह से निकल गई। अभी 1 महीना हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। अंजलि दास। क्या गवाही है आपकी? मेरा गवाही है, मैं 7-8 महीना से मेरा नींद नहीं आता था, मैं आखा रात जाग के रहती थी। मतलब 7-8 महीने से आपको बिल्कुल रात को नींद नहीं आती थी? नहीं, कभी ऐसा थोड़ा सा नींद आ जाएगा तो 5-10 मिनट ही थी मैं सोती थी। मतलब 5-10 मिनट ही सोते थे रात को? हाँ, उसका बाद हमें जाग के ही रहता था। दिन में भी नींद नहीं आता है, रात को भी नींद नहीं आता है। उसमें से मेरा शरीर एकदम हल्का हल्का लगता है, जैसा कि मेरा चक्कर आ जाएगा तो मैं गिर जाऊंगी। आपको कमजोरी और चक्कर जैसा भी होता था? हाँ, और काम भी मन नहीं लगता था, काम कर नहीं पाती थी। ऐसा करके फिर गया मायना में, मैं 17 तारीख को शिविर में गई, तो उधर गई तो वो शिविर किया। शिविर करने का बाद अभी 1.5 महीना हो गया, मेरे को अच्छा से नींद आता है। आपने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया और अभी 1.5 महीना हो गया है, आपको रात को अच्छे से नींद आती है? अभी रात को भी नींद आता है, दोपहर को भी नींद आता है। जो पहले आप सो नहीं पाते थे दिन भर, अभी आपको नींद अच्छे से आती है? ऐसे नींद आता है। और जो कमजोरी वगैरह महसूस होती थी वो अभी कुछ भी नहीं महसूस होता है? होता है। चक्कर जैसा भी नहीं लगता? नहीं आता है। प्रभु का बड़ा अनुग्रह हो गया और ये समस्या प्रभु ने आपकी निकाल दी है। अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है, मेरा 3 दिन से बुखार था। बुखार हुआ था आपको? तो मेरे को संडे को इधर आने का था, तो शनिवार को रात से इतना तेज बुखार हुआ तो मैं संडे को आ नहीं पाई, तो मैं घर में ही वो प्रार्थना देखी और प्रार्थना उधर ही बैठ के किया। सुबह से मेरे को तो आँख खोलने को ही नहीं हो रहा है, लेकिन घर में मोबाइल चालू रख के उधर ही प्रार्थना लिया। आपने संडे को लाइव प्रार्थना में विश्वास से भाग लिया और उसी वक्त आपका बुखार निकल गया? हाँ, उसी बाद ही मेरा भूखा निकल गया है। अभी 1 हफ्ता हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये भाई का नाम योगेंद्र चौहान है। इनकी ऐसी समस्या थी कि इनके ये तीनों बच्चे, सबसे पहला ये बड़ा लड़का बीमार हुआ जिसको सर्दी खांसी बुखार हुआ और लगातार 15 दिन तक सर्दी खांसी बुखार की समस्या शुरू थी। ये प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करने के बाद जब ठीक होने के बाद फिर ये लड़की बीमार हुई, उनको भी यही समस्या शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसकी तकलीफ भी निकलने के बाद फिर ये छोटा बच्चा बीमार होने लगा, उनको भी यही समस्या होने लगी। ऐसा लगातार तीनों भी बीमार पड़ते गए, लेकिन ये भाई का प्रभु यीशु पर विश्वास था। ये विश्वास से अपने बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते थे और इनका कहना है कि ये तीनों बच्चे भी खुद से वचन बोलते थे। वचन बोलते रहने से, प्रार्थना करते रहने से प्रभु यीशु की दया इन तीनों बच्चे के ऊपर हो गई और ये तीनों बच्चे की सर्दी खांसी बुखार की समस्या निकल गई है। अब ये बच्चे बिल्कुल भी ठीक ठाक है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बेटा, जब तुझे सर्दी खांसी बुखार था तो क्या करती थी? मैं, अरे, वचन बोलती थी। बोलो। कौन सा वचन बोलती थी? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो, उसी के मार खाने से तुम चंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले ये आप भी तू भी बोलता था? तू भी वचन बोलता था? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यावा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यावा। इतनी खांसी बुखार होते भी तू वचन बोलता था? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने इन बच्चों को अद्भुत तरीके से चंगा दिया, इसके लिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। सुमन गौतम। क्या हुआ था आपको? मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था। और कौन से कान में? ये वाले कान में नहीं, इसमें बाएं कान में। हाँ, बहुत दर्द हो रहा था तो बहने भी लगा दवा मैं ली, तो उसके बाद मैं कुछ बोली नहीं। डॉक्टर दवा बोला मेरे को लेने, मैं कुछ बोली नहीं, मैं चली आई घर पे।
तो मैं बोली अब कुछ नहीं करूँगी, अब प्रभु प्रार्थना करूँगी, उनका ही तेल डालूँ। ये कान आपको कब से तकलीफ, कब से हो रही थी आपको? डेढ़ साल से। डेढ़ साल से हमेशा बहता था? हमेशा बहता था, बहुत दर्द हो, सुनाई भी नहीं देता था उस कान से। हाँ, उस कान से सुनाई भी नहीं देता था। तो मैं फिर क्या किया आपने? मैं प्रभु को तेल रात में प्रार्थना करती थी, प्रभु को तेल डाल के सो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे हो गया, मेरा कान एकदम सही हो गया। आज 9 महीना हो गए मेरा कान एकदम सही हो गया, ना बहता है ना कुछ है, दर्द भी नहीं है, अब बहता भी नहीं है, एकदम सही हो गया मेरा। अभी उस कान से आपको अच्छे से सुनाई भी देता है? हाँ, मेरा अच्छे सुनाई देता है। पहले कम देता था? पहले कम देता था। प्रभु का अनुग्रह हो गया, कान की तकलीफ निकल गई। आप लोग ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम शुभावती गौड़ है। एक हफ्ता पहले गिरने की वजह से उनके बाएं पैर में चोट लग गई थी। उनको उस वजह से उनको चलने में, बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती थी। गए रविवार के दिन चंगाई की प्रार्थना में प्रभु की दया इन पर हो गई और इनके पैर की जो चोट लगी थी वो मार बिल्कुल सूख गया और उनको चलने में, बैठने उठने में अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही इनकी ये बेटी है, उनको एक हफ्ता पहले और उनको उनके 4 बच्चों को उल्टियाँ होती थी, जुलाब हो रहे थे, उनको बहुत कमज़ोरी आई थी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल किया, प्रभु की दया उन पर हो गई और उन सबों की तकलीफ निकल गई है। इसलिए आप सभी जन तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। ये भाई का नाम जोगिंदर सिंह है। इनके हाथ का चमड़ा इतना मोटा हो गया था कि मतलब कि ना ही हाथ इनका बंद होता था, ना ही खुलता था। बहुत परेशान हो जाते थे और रिक्शा चलाने के लिए जब जाते थे तो रिक्शा का स्टेयरिंग भी पकड़ने में इनको बहुत समस्या होती थी। बता रहे हैं कि 5 महीना पहले यहाँ पहली बार आए, आने के बाद यहाँ पे प्रार्थना तेल मिला और लेकर के गए और वो तेल का इस्तेमाल करने लगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह धीरे धीरे इनके हाथ के ऊपर होने लगा और विनती लिख करके चिट्ठी विनती पेटी में डाले और प्रभु यीशु की अनुग्रह हो गया। बता रहे हैं कि इनके हाथ की जो तकलीफ थी पूरी तरह से निकल गया है, प्रभु ने नया चमड़ा दिया है, जो क्रैक होता था, जो फटता था वो बंद हो गया है, प्रभु ने इन्हें आशीषित किया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे हैं कि आपका हाथ 10 साल से एकदम कड़क हो गया था। मुट्ठी नहीं बांधा जाता था, बहुत लोहा जैसा हो गया था। जरा हाथ दिखाइए लोगों को। फटता था। ये पहले ऐसा हाथ नहीं था, ये बहुत ऐसा है जैसे पैर का एड़ी फटता है वैसा क्रैक होता था, फटता था, जगह पूरा फटता था, जगह जगह फटता था। ये तेल लगाया और प्रार्थना चिट्ठी लिख के डाला, उसमें जब से मेरा हाथ अब नरम हो रहा है, हाथ खुल रहा है, बंद हो रहा है, सब हो रहा है, अब नरम हो गया है हाथ। अभी एकदम आराम में, कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु यीशु ने चंगा किया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मीना देवी चौधरी। क्या गवाही है? मेरा ये गवाही है कि मैं खाना बना रही थी तो ये हाँ अंगूठा तेल में गया था तो ये एकदम जलने लगा, फिर तुरंत प्रार्थना की और तेल लगाई तो एकदम ठंडा हो गया, अभी ठीक है। और आपके बेटे को क्या होता था? ये बाबू का 3-4 महीना हमेशा बीमारी रहता था, अभी मतलब 15 दिन 1 महीना हो गया, अभी दवा नहीं ली ना कुछ की। और मतलब क्या होता था उसे? उल्टी खांसी हमेशा हो जाता था। हमेशा होता था? अभी प्रार्थना करते करते अभी ये ठीक है, प्रभु की दया हो गई और अभी 1 महीना हो गया है, वो ठीक है। ये लड़की है 1 महीना, मतलब ये 15 दिन इसको इतना, 1 हफ्ता हो गया, इतना खांसी हो गया था, बुखार और इतना तबीयत खराब हो गया था, फिर ये प्रार्थना करते करते ये भी ठीक है, अभी इसका भी बुखार निकल गया। प्रभु का बड़ा अनुग्रह हो गया। आप सभी जन तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। ढूंढी है जल को ऐसे
शानी तदीन करता रहूं मैं तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं प्यास हिरन जैसे ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा सोना चांदी सब शंतालिया बजाओ प्रभु का धन्यवाद करो दिल से प्रभु का धन्यवाद करो प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है अभी प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है इसी क्षण जोर से तालियां बजाओ धन्यवाद प्रभु तुसे धन्यवाद देखो इस महान प्रभु की ओर अपनी आंखें बंद रखो और आत्मा से प्रभु को देखो क्योंकि प्रभु आत्मा है वो यहाँ पर मौजूद है प्रभु यीशु यहाँ है वो आपके बहुत नज़दीक है वो आपकी ओर देख रहा है अपने मन के सारे विचारों को दूर कर दो केवल प्रभु की ओर देखो आपके जीवन का सारा दुख उसके हाथ में दे दो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है वो हमारी परवाह करता है उसे देखो तो जानोगे कि परमेश्वर प्रेम है दया और करुणा से भरा है उसकी ओर देखो और अपना सारा बोझ उसके हाथ में दे दो उसने आपको नहीं छोड़ा है उसने आपका नहीं त्याग किया है आज आप यहाँ पर आए हो अपनी ताकत से या अपने दिमाग से नहीं
परमेश्वर ने आपको लाया है, उसके भवन में, उसके चरणों के पास उसने आपको लाया है, आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। देखो उसकी ओर, वो कैसा प्रेम से भरा है, करुणा और दया से भरा है। उसकी ओर देखते जाओ, आपके जीवन में शांति आएगी। उसकी ओर देखते जाओ, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। वो हमसे प्रेम करता है, इतना प्रेम कि हमारे खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। यीशु ने लहू बहाया हमें छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, चंगा करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, अनंत जीवन दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। धन्यवाद करो इसका। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। तू महान है, तू पवित्र है, तू सत्य है, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे खुशी से भर दिया, शांति से भर दिया, मुझे चंगा किया। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। और अभी शांत होकर प्रभु के सामने अपना दिल खोल दो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि सबको क्षमा करनी चाहिए। जिन्होंने आपको सताया, नुकसान किया, धोखा दिया, अपमान किया, आपको बर्बाद किया, ऐसे सब लोगों की याद करो। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ। शायद वे आपके घर ही के लोग होंगे, या आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी, या जो भी होंगे। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। क्षमा करो, सबको क्षमा करो, सारा गुस्सा अपने मन से निकाल डालो। आपने मन में फैसला किया होगा कि मैं उसका मुँह कभी नहीं देखूँगा, मैं उससे कभी नहीं बात करूँगी, पर आज प्रभु यीशु आपको बता रहा है, उन्हें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। टच, टच, टच। और अभी प्रभु के सामने नम्र बनकर खुद के पापों को कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। नम्र बन जाओ, सारे पाप कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना,
स्वार्थ, अहंकार, दूसरों पर अन्याय करना, मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, किसी को गालियां दी है, किसी की निंदा की है, किसी का मजाक उड़ाया है, सारे पाप कबूल करते जाओ। बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति के अधीन नहीं रहती होगी, अपना पाप कबूल करो। भाइयों, यदि आप अपनी औरत से सच्चा प्रेम नहीं रखते होंगे, उनको मारपीट की है, छल किया है, अपमान किया है, कबूल करो। यदि आपने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया है, उनके प्रति जो आपका फर्ज है उसे नहीं निभाया है, कबूल करो। बच्चों, यदि आपने माँ बाप की बात को नहीं माना है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, कबूल करो। अपने अपने पापों को कबूल करो। प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच, और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। अपने पापों के लिए आंसू बहाओ। हमने परमेश्वर के खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किए हैं, हमने अपने सृष्टिकर्ता को दुख दिया है। रो अपने पापों के लिए, यह समय है पापों के लिए रोने का। प्रभु से कहो, प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है। टच टच टच, और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसे क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए,
आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोड़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं, उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने पहले ही प्रभु को ग्रहण किया है और उद्धार पाया है, आपको ये प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे और एक महिमा देखे।
सभी